ये मदनी सूरत है। देखिए लगातार मदनी सूरतें आ रही हैं और ये भी शॉर्ट सूरा है, 29 आयतें हैं इसमें। और थोड़ा सा हम इसका डिटेल देखते हैं सूरतुल फतह का। तो जैसे शॉर्ट शॉर्ट सूरतें जो आ रही हैं ना इसमें, जैसे सूरे मोहम्मद भी शॉर्ट थी, 33 आयतें थी, अब इसमें 29 आयतें हैं। तो जो मदनी सूरत है और इसमें पीरियड ऑफ रेवलेशन क्या है, द सूरा वॉज रिवील इन जुल्कादा 6 हिजरी में, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के तरफ जा रहे थे और ट्रीटी ऑफ हुदेबिया जो डिसबिलीवर्स के साथ जो मक्का में हुई थी। अच्छा, इसमें जो खास चीजें जो आएंगी जो सूरत में, जो मुस्लिम्स के लिए एक जो विक्ट्री मिली थी ट्रीटी ऑफ हुदेबिया, और फिर इसके बाद सेवरिंग एलिजियंस टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक एलिजियंस बना था अल्लाह के, और वो किस तरह वेल प्लीज विद देयर एक्शंस वो हुआ था। और फिर पार्टिसिपेट जो वॉर इस्लाम और कुफार के बीच में हुआ था, के वो चीज आएंगी इसमें। और ब्लाइंड लेम और सिक जो लोग इससे एग्जेम्प्ट है ना, जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो अंधे है या कोई लेम है मतलब लंगड़े है या बीमार है उनके लिए। और विजन कॉन्कर ऑफ मक्का क्या है वो बताया गया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो खूबियाँ हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर उनके फॉलोअर्स के बारे में, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे। और ये बहुत ही अच्छी सूरत है, इसमें जो सुलह हुदैबिया के बारे में, जो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको खुली हुई फतह अता दी अता की, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। तो ये क्लियर विक्ट्री क्या थी या इंडिकेशन क्या किया जा रहा, ट्रीटी ऑफ हुदेबिया। एक देखने में क्या है, अपेरेंटली ट्रीटी ऑफ हुदेबिया हमारे मतलब मुसलमानों के फेवर में नहीं दिख रहा था, कंडीशंस बहुत अलग ही थे। तो यहाँ पर लेकिन आगे अल्लाह ताला बोल रहे हैं फतहन मुबीना है ये ट्रीटी ऑफ हुदेबिया। तो कई चीजें जो सेवरल इयर्स इन मतलब काफी साल जो मदीना में, और बैटल ऑफ खंदक के बाद बेसिकली आफ्टर बैटल ऑफ बदर, ये बैटल ऑफ बदर बैटल ऑफ ओहद के बाद बैटल ऑफ खंदक हुआ, फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक ड्रीम आया, एक ख्वाब आया, और आपके ख्वाब सच्चे ख्वाब होते थे कि जाके उमरा कर रहे हैं। तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब जो है ना सच्चा ख्वाब रहता था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्शन देते मुसलमानों की, चलिए अब अपन उमरा करके आएंगे। तो 1400 मुसलमान आपके साथ जाते मक्का उमरा करने के लिए। तो क्या हुआ कि मुशरिकीन को मुस्लिम्स अप्रोच होने से पहले मक्का, उन लोग डिफेंसिव हो जाते, दे डिड नॉट अलाउ मुस्लिम, उन लोग मुसलमान को अलाउ नहीं करते मक्का में, क्योंकि उन लोग निकाले थे मुसलमानों को मक्का से फर्स्ट प्लेस, और फाइटिंग थी उनके और उनके बीच में। तो अब उन लोग क्यों एंटर होने देंगे सेफ्टी के साथ, क्यों तवाफ या उमरा परफॉर्म करने देंगे, वो नहीं परफॉर्म करने दे रहे थे। और मक्का क्या है, सेफ प्लेस है, वहां पर ब्लडशेड नहीं कर सकते। मुशरिकीन क्या है, अब ये चीजों के वजह से फायदा उठाना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, मुसलमान जैसे ही वो मक्का के करीब आए, मुशरिकीन क्या करे, ग्रुप्स एक एक ग्रुप्स में भेजना शुरू करे, और वो चाह रहे थे कि फोर्स टू फाइट। अब इन लोग फाइट नहीं करना चाह रहे, तो क्या हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूट चेंज कर दिए, तो एक डिफिकल्ट रूट ले लिए थे, और ये दिस इज नोन एज हुदैबिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अप एट हुदैबिया। फिर उसके बाद जब हुदैबिया पहुंचे, मुशरिकीन क्या करे, आर्मी लेके आए, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, वो कहाँ पर, एंट्रेंस ऑफ मक्का पे, उनके साथ वेपन्स थे, और क्लियरली दैट मतलब बता दिए कि मुसलमान अब मक्का में एंटर नहीं होना विदाउट अ बैटल। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बैटल नहीं करना चाह रहे थे। तो अब क्या हुआ कि एहराम में थे उन लोग, और एहराम में आपको पता है ना बैटल या कोई जंग या कोई चीज ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब पीपल जो ताइफ के थे और नेबरिंग ट्राइब के थे, वो लोग वॉलंटियर कर रहे थे कि कन्विंस करने के लिए पीपल ऑफ मक्का को, बिकॉज ये वॉर कोई भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सके। इवेंचुअली क्या हुआ कि मुशरिकीन
एग्री करेंगे, एक साइन करेंगे ट्रीटी मुसलमानों के साथ। तो पार्ट ऑफ द ट्रीटी क्या था कि नाउ मुस्लिम विल गो बैक, अब मुसलमान वापस जाएंगे बगैर उमरा करें, और फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे उमरा करने के लिए, और वो भी 3 दिन के लिए। अब आप सोचो, सुन के भी कितनी तकलीफ होती ना, कि ऑल द वे उतना डेलीगेशन आया, उन लोग वॉर नहीं चाह रहे, उन लोग एहराम में हैं, उनके पास कोई असला नहीं है उनके साथ, और वो एक नियत करके आए, और साथ में उनके जानवर भी थे। मक्का टू मदीना रिटर्न होना, और वो भी कैसा आए होंगे वो टाइम का, आप सोचो जर्नी। अनदर कंडीशन, अच्छा 3 दिन के लिए जाना है, अनदर कंडीशन क्या था, नो बैटल बिटवीन मुस्लिम एंड मुशरिक फॉर 10 ईयर्स, दोनों के बीच में बैटल नहीं होंगी 10 साल तक, और ये भी बहुत मुश्किल हो रही थी ये ऑप्शन भी। और फिर, और अब इन लोगों को एहराम में जाने का है, तो मुस्लिम बहुत सैड हो गए थे। उमर रदी अल्लाह अन्हु, ये जब ये आयत आई, अल्लाह रिवील करे कि उमर रदी अल्लाह अन्हु अफ्तहाजा, तो यहाँ पर आप देखते कि किस तरह उन लोग बहुत ज्यादा सैड। ये जो कंडीशंस थे, दैट वाज सो डिफिकल्ट, आप सोचिए ये कंडीशंस पे। तो अब उमर रदी अल्लाह अन्हु, आपको मालूम है कैसे, जब वो सुने तो उमर रदी अल्लाह अन्हु अफ्तहाजा, ये फतह है, ये किस तरह की फतह है, ये तो कोई फतह नहीं है, ये तो फेलियर है। कैसा हम लोग उम्रा के लिए आए, फिर अब दूसरे साल आएंगे, वो भी 3 दिन रहेंगे, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी। तो हुदेबिया और ये सब जो हुआ था ना, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर वो जो डिक्टेट करा रहे थे कि ये होगा ट्रीटी में, और टॉर्चर कर रहे थे, और 10 साल तक फिर वॉर नहीं होंगी। तो उमर रदी अल्लाह अन्हु क्लोज टू अबू जंदल के पास गए, एंड स्वॉर्ड भी निकाले, फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तो एहराम में हूँ। आपको मालूम है उमर खत्ताब का कितना गुस्सा ज्यादा रहता है। और तो फिर ये जो इन्ना फतहन लगा फतहन मुबीना, तो बाज़ वक़्त ये चीजें हो जाती कि ऐसा दिखता कि ये हमारे लिए गलत है या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता। तो ये फतह मुबीन जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तो ये फतह मुबीन है, रदीतु बिल्लाही रब्बो, ये एक्सेप्ट कर लो। तो ये सारी सिचुएशन समझाने का मकसद क्या था, कि ये जो पीछे जो बैकग्राउंड हुआ, और आगे जाके बहुत ज्यादा विक्ट्री हुई थी, वन विक्ट्री आफ्टर अनदर, तो ये फतह मुबीना हुआ ही हुआ। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको खुली हुई फतह अता की, यही जो अभी हम जो डिस्कस किए थे, ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे, तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। लयग़फिरा लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख्खर। तो यहाँ पर गुनाह माफ करने की बात हो रही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गुनाह करते थे? नहीं, फिर भी आप हमेशा बोलते थे, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा नहीं बनूं? इतना नमाज पढ़ते थे कि आपके जो फीट थे क्रैक हो जाते थे, फट जाते थे। तो अफला अकून अब्दन शकूरा, तो हम भी शुक्रगुजार बंदे बने। फिर आयत नंबर 3 में, वयंसुरुकल्लाह नसरन अजीजा, आयत नंबर 3, और अल्लाह तुम्हारे जबरदस्त मदद करे। वो अल्लाह ऐसा है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून बख्शा, ताकि उनके ईमान के साथ उनके ईमान में और इजाफा हो, और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के है, और अल्लाह खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। आयत नंबर 4 में आप देखिए, गौर करिए, हुवा लजी अनजला सकीनता। अब ये सहाबा इकराम के दिलों में सकीनत आई, क्यों सकीनत, देखिए उम्रा के उससे आए थे इन लोग, और उम्रा नहीं करना, अब आजकल के हिसाब से मत सोचिए, इतना लंबा सफर करके आके वापस जाना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। और फिर उनके दिलों में अल्लाह ताला सकीनत थी, कुलूबिहिम मोमिनीन, जो मोमिनीन थे उनके दिलों में सकीनत डाल दिए, और बोलेंगे लियज़दादु ईमाना, उनका ईमान बढ़ा दिए,
يزدادوا زيادة سي إيمانا إيمان مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ایمان کے ساتھ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور آسمان اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے مطلب جتنے بھی لشکر تھے اٹس لائک زمین میں ہو یا آسمان میں ہو سب اللہ ہی کے اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. ٹھیک ہے آج ان لوگوں کو بہت پین فل ہے لیکن اللہ تعالیٰ سکینت ڈالے. بعض وقت یہ ہوتا کہ آپ کو بہت غم ہوتا تکلیف ہوتی, اللہ سے دعا کریے اللہ میرے دل میں سکینت ڈال دو میری یہ تکلیف دور کر دو اور اچھے اچھے دعائیں پڑھیے. ہمیشہ ایک مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا اور اللہ پہ پر امید دعا. اور اللہ تعالیٰ بولتے تم جیسا گمان کر رہے میں ویسا ہوں گا. تو ہمیشہ اچھے امید سے دعا کریے. اور ہمارے صحابہ اکرام تو ایک پرلز کی طرح تھا, ایک ہمارے لیے بہترین مثال ہے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. لِيُدْخِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزُ الْعَظِيمِ. فوز العظیم, یہ بڑی کامیابی, اور ان سے ان کے سارے گناہ دور فرما دے گا اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. دیکھیں گناہ معاف ہونا اٹس اے بگ کامیابی, اور اللہ جنت میں انٹر کرنا ایز ویل ایز گناہوں کی معافی از سو گڈ. تاکہ منافق مردوں, منافق عورتوں, مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں بدگمانیاں کرتے تھے عذاب دے, اور انہی پر برا وقت آنے والا ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور انہی کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے اور وہ بری جگہ ہے. تو دوزخ بہت بری جگہ ہے. ایک حدیث آتی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said 3 days before his death, none of you should meet death but only hoping good from Allah. کوئی انسان موت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ اللہ سے اچھی امید کرتا. تو ہمیشہ اللہ سے پر امید رکھیے, اچھی امید کریے. اور میں نے جیسے بتایا تھا, انا عند ظنی عبدی بی ان خیرن افت خیرن و ان شر اف شر. اگر کوئی مومن تھنک کرتا سوچتا, انا اندا کوئی اپنے پاس سوچ رہا, زن سوچنا, عبدی میرا بندہ, بی ان خیرن میرے بارے میں خیر سوچ رہا, افت خیرن تو میں خیر, اون شر اف شر اگر کوئی شر کے بارے میں سوچ رہا غلط سوچ رہا تو غلط. تو اسی لیے کبھی بھی بیمار ہو, کوئی چیز ہو, کوئی پرابلم ہو, بچے نافرمان ہو, زندگی کی کوئی کلامٹی ہو, ہمیشہ انا عند ظنی عبدی بی ان خیر, تو ہم خیر ہی سوچنا ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھو, اللہ اچھا گمان, اگر برا گمان رکھیں گے تو پھر برا. تو یو ہیو ٹو آلویز تھنک اچھا گمان, اچھی پر امید سے اچھا گمان رکھیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب چیز اچھی ہوگی. اور تاکہ یہ جو ساری چیزیں بیان کیے گئے اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا, انہی کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے اور وہ بری جگہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں غلط کر رہی تو اس کے بعد جنت کا کیسا, حسرتوں سے جنت ملنے والی ہے؟ نہیں, دوزخ ملیں گی. حسرتوں سے جنت نہیں ملتی, کوشش سے عمل کرنے والوں کے لیے. اور آسمان اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. بار بار یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے, وکان اللہ عزیز حکیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہی دی دینے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہے. یہ دوسرے صورتوں میں بھی آیا, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھیجے گئے, یہ گواہی ہے, مبشر خوشخبری دینے والے, نذیر اور ڈرانے والے.
ताकि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसी की इज्जत करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। अल्लाह ताला यहाँ पर सल्यूशन भी बता दिए कि नहीं भाई, सुबह शाम पाकी बयान करो। हम जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते, पाकी बयान करते, नमाज पढ़ते, उसके अलावा क्या करते, नमाज फिनिश होते ही तस्बीह पढ़ते, जिक्र करते, उसके अलावा भी हम जब चाहे जिक्र कर सकते, तो हमेशा अल्लाह को जिक्र करिए, अल्लाह से हमेशा पूर्व उम्मीद रखिए, अल्लाह की पाकी बयान करिए। वह तो सब भी हो बकरा तुम व असीला, जो लोग आपसे बैत कर रहे थे तो हकीकत में वो अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। फिर जो इस अहद को तोड़ेंगे तो अहद तोड़ने वालों का वबाल उसी पर होगा, और जो अपने अहद को पूरा करेंगे जो उसने इस बैत में अल्लाह से किया है, तो अल्लाह जल्द उसको बड़ा अजर देगा। अब यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई बैतुल रिदवान, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया पे हम सीखते कि मुशरिकीन जो जब दे वर नॉट विलिंग टू कम टू एनी टर्म्स, तो क्या हुआ कि अब ये बैक एंड फोर्थ हो रहे थे कन्विंस मुशरिकीन को वो करने के लिए, तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को मक्का भेजे के उनके लीडर्स थे उधर। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जब वहां पर गए गए थोड़ा सा टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए मुशरिकीन को, तो उसके बाद क्या हुआ उस्मान रदियल्लाहु थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिए कन्विंस करके करने के लिए। तो मुस्लिम्स जो हुदैबिया के पास थे अब उन लोग वरीड हो गए, परेशान हो गए, अरे शायद उस्मान को मार दिए होंगे बोल के थोड़ा परेशान थे। अब थोड़े घंटे पास बाई हो गए तो बहुत ज्यादा सर्टिनिटी में आ गए, शायद ही मर गए होंगे या इंतकाल हो गया ऐसा। तो उसके बाद क्या है, अब सोचे कि वॉर करना या क्या, तो मुस्लिम्स सोचे कि नहीं, दे वर नॉट रेडी फॉर द बैटल। अब फिर वो वेपन्स भी नहीं लाए थे, कोई शील्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो फिर उतने में अब टायर्ड भी थे, पूरा जर्नी हुआ था, और हुदैबिया के पास थोड़ी टाइम स्टे करे, और हुदैबिया वॉज नॉट वेरी इजी क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वॉक्ड ओवर वॉल्केनिक रॉक, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट विद मुशरिकीन, तो जर्नी वॉज बहुत एग्जॉस्टिंग था उनके लिए, और उनके पास कोई असला नहीं था, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, और इन लोग लेस नंबर थे, और मुशरिकीन क्या कि अगर मार देते उस्मान को तो बहुत ही वॉर डिक्लेयर हो जाता इन दिस सिचुएशन। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान को बुलाए और एक प्लेज लिए, वी हैव टू फाइट, यू विल फाइट द एनिमी इवन इफ इट मीन्स डेथ, बोले कि देखो अगर लड़ना पड़ा एनिमी से तो लड़ेंगे, अगर डेथ भी हो गई तो मरना भी पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि वो सहाबा 1400 ऑफ देम थे, 1400 थे सहाबा, एक के बाद एक आते गए और बई लेना शुरू करे प्लेज। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, और अल्लाह ताला भी बई का जो प्रॉमिस कर रहे थे, एक्चुअली जो प्रॉमिस कर रहे थे वो प्रॉमिस किसके साथ था, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के साथ था, एक कमिटमेंट था अल्लाह के नाम में, दीन के नाम पे था एक कमिटमेंट, एक जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर थे लेकिन अल्लाह के लिए, और उसका रिवॉर्ड बहुत था। फिर हम ये देखते हैं कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु वहां पर नहीं थे लेकिन बैक जो मेड कर रहे थे बिहाफ ऑफ उस्मान, उनके एब्सेंस में भी सब लोग थे वहां पर, भाई जो प्रॉमिस हुआ ये एक ट्रीटी हुई, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ उस्मान के हाथ जो थे वो श्योर के वो आएंगे, उनको यकीन था कि वो आएंगे, तो उनके ताल्लुक से बात हो रही कि वो एक बाई लिए। और फिर उसके बाद अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला इतना इन लोगों से खुश हुए इनके सैक्रिफाइस से, इनके ये बात से, कि अल्लाह ताला क्या करे बोले कि ठीक है ये बाय ये मेंशन करें यहाँ पर, फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी वमन औफा बिमा अहद अलैहि अल्लाहु फसयुतीही अजरन अजीमा। तो ये जो तुम लोग कर रहे हैं इसका तुमको बहुत अच्छा अजर मिलने वाला है। और मुशरिकीन क्या करे
जैसे ये बय हुआ वो लोग पैनिक होना शुरू हो गए और उस्मान रदी अल्लाह अन्हु क्या हुआ वापिस आ गए। और फिर उसके बाद ये ट्रीटी जब तक डिसाइड हो गई थी, आई होप के समझ में आ गया। जब वो लॉन्गर टाइम लिए थे ना उनके बिहाफ पे भी मतलब बाई ले लिए थे, प्लेज ले लिए थे। और पीछे रहने वाले देहाती आपसे कहेंगे हमको हमारे माल और आयाल ने फुर्सत ना लेने दी। अब ये बहाने बना रहे, सयकुलून लका मुकल्लफून मिन आराबी, जो पीछे रह गए आराबी बद्दू लोग, अब ये एक एक्सक्यूजेस बना रहे, बहाने बना रहे क्यों हम पीछे रह गए, आप हमारे लिए माफी की दुआ कीजिए। अब पीछे रह गए, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे कि अच्छा हमारे लिए माफी की दुआ कीजिए। ये लोग जुबान से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। एक्चुअली ये मुंह से ये बात कह रहे हैं, उनके दिल में कुछ ऐसा है नहीं। आप फरमाएं कि वो कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए किसी चीज का इख्तियार रखता है। अगर अल्लाह तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, ये कोई नफा देना चाहे, बल्कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब वाकिफ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह नोज एवरीथिंग, तुम क्या समझ रहे। और ये बताते कि हम लोग शुगल में थे, हम लोग बिजी थे, इसलिए हम ये नहीं कर सके, यू नो गिविंग एक्सक्यूजेस। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह अजवजल से, ओ सन ऑफ एडम डिवोट योर सेल्फ टू माई वर्शिप, तुम अपने आप को मेरी इबादत में लगाओ और मैं तुम्हारा आई विल फिल योर चेस्ट विथ रिचेस, मतलब तुम्हारे दिल को भर दूंगा, गनी कर दूंगा और तुम्हारी जो पॉवर्टी है उसको रेस करूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हारे हाथ प्रॉब्लम्स में होंगे और तुम्हारी जो तंग दस्ती है और बढ़ती जाएंगी। तो हम कभी भी इबादत में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ना कि हमेशा नहीं मैं तो शुगल ना, मैं तो बिजी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह ताला बिजी रखेंगे और अल्लाह के रास्ते में आएंगे ही नहीं। आया नंबर 12, बल्कि तुमने ये गुमान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन अपने घर वालों में कभी लौट कर ना आएंगे। मतलब इन लोगों के दिल में भी ये हसरत थी कि अच्छा बिन लोग यहीं मर मरा जाना और वापस नहीं जाना। और ये बात तुम्हारे दिलों को भी अच्छी लगती थी और तुमने बुरे गुमान किए। अब इनके दिल में ना बहुत नेगेटिव बुरे गुमान थे, अच्छा ये मर गए और वापस ना जाए और तुम बर्बाद होने वाले बन गए। तो बोल रहे कि तुम लोग तो बर्बाद हो गए, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए वो काफिर है, हमने काफिरों के लिए दोजख तैयार कर रखी है। अब आयत नंबर 13 में देखिए अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे, क्यों बोल रहे हैं काफिर है, क्योंकि ये लोग जो मुनाफिक थे बहाने बना रहे थे, हीले बहाने। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इतने मासूम थे, अगर कोई आके बहाना बनाते थे ना वो यकीन कर लेते थे, वो नहीं सोचते थे कि ये बहाने बना रहे। फिर वही के जरिए अल्लाह ताला इन्फॉर्म करते थे, नहीं ये तो एक्सक्यूज बना रहे हैं ये है। और ये कुरान में फिर हम ये देख रहे हैं ना किस तरह अल्लाह ताला बताए। तो आयत नंबर 13 में वो बोल रहे हैं वलम युमिन बिल्लाहि व रसूलि फा इन्ना आतदना लिल काफिरीना सईरा, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाए वो काफिर है, हमने काफिरों के लिए दोजख ही आग तैयार कर रखी है और तमाम आसमान और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है, वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम वाला है। जो लोग पीछे रह गए थे वो अनकरीब कहेंगे जब तुम लोग, अब फिर ये एक्सक्यूजेस बनाने वाली। अब देखिए ये जो सूरे मदनी सूरतें हैं ना इसमें मुनाफिक लोगों का एक तर्ज अमल आएगा, गनीमतें लेने चलोगे ये हमको इजाजत दीजिए कि हम तुम्हारे साथ चलें। वो चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म को बदल डालें, आप फरमा दीजिए तुम हमारे साथ हरगिज नहीं चल सकते, अल्लाह ने पहले ही से यूं फरमा दिया है। तो वो कहेंगे बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, बल्कि ये लोग खुद बहुत कम समझते हैं। यू नो अगेन मेकिंग सम एक्सक्यूज और कुछ ना कुछ बहाने, और उन पे ही एक बोल देना अच्छा नहीं तुम तो हसद कर रहे हैं। जो देहाती मतलब जो बद्दू लोग हैं, दो देहाती पीछे रह गए थे उनसे कह दीजिए कि जल्द एक सख्त
कौम से लड़ाई की जाए, मतलब सख्त, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल पावर भी है। तुम बुलाए जाओगे, उनसे तुम जंग करते रहोगे, ये वो मुती हो जाएंगे, मतलब फरमाबरदार। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली बार किया था तो वो तुमको दर्दनाक अजाब देंगे। देखिए, वॉर से मुंह फेरना इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये भी गुनाह है। ना तो अंधे पर गुनाह है, ना जंग में पीछे रह जाए, और ना ही लंगड़े पर गुनाह है, और ना बीमार पर गुनाह है। देखिए, ये एग्जेम्प्ट है। अब ये इनके पास एक क्या है, शरई उजर है, अंधे है यानी तो लंगड़े है तो या बीमार है। इन लोग अगर वॉर पे भी नहीं गए तो हर्ज, उनको हर्ज नहीं है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह उसको बहिश्त में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बहती रही, और जो रू गर्दानी करेगा तो उसको दर्दनाक अजाब देंगे। तो अब ये चीजें हैं, फॉलोइंग थिंग्स करना, अगर नहीं करेंगे तो दर्दनाक अजाब है। यकीनन अल्लाह उन अहले ईमान से खुश हुआ जबकि ये लोग दरख्त के नीचे आपसे बय कर रहे थे। जैसे मैंने पूरा वाकया बयान किया है, इन लोग बय कर रहे थे एक ट्रीटी, और जो सिद्ध और खुलूस उनके दिलों में था उसने मालूम कर लिया, तो उसने उनको सुकून बख्शा और उनको जल्द फतह अता की। आयत नंबर 18 में देखिए किस तरह, लकद रदियल्लाहु अन मोमिनीना इज युबाइउनका, युबाइउना बाई जो करे, तहता शजरती, तहता नीचे, शजरती शजर के, फइल्मा अल्लाह ताला इल्म जानता है, माफी कुलूबिहिम जो इनके दिलों में है, फअंजला सकीनता, तो उनके दिलों में क्या है, सकीनत उतार दिए, अलैहिम व आसाबहुम फतहन करीबा, जो एक फतह मिलने वाली है करीब, तो उनके दिल में एक सुकून आ गया और बय भी कर लिए। अब आयत नंबर 19 में देखिए, और बहुत से गनीमतें जो उन्होंने हासिल की, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है, वॉर बूटी में जो मिले, अल्लाह ने तुमसे बहुत सा माले गनीमत का वादा फरमाया है जिनको तुम लोगे, तो फिलहाल तुमको ये दे दे, और लोगों की हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए, और ताकि तुमको सीधी राह पर चलाए, और नेक फतह और भी जिस पर तुम कादिर नहीं हुए, अल्लाह ताला उसको अहाते में लिया हुआ है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला एनसर्कल करे हुए, अल्लाह ताला अहाता करे हुए, समझ रहे कि अच्छा, वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और अगर तुमसे ये काफिर लड़ते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, अगर इन लोग लड़ते भी ना तो इन लोग पीठ फेर के भाग जाते, क्योंकि फाइनली जब मुस्लिम्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम बैटल तो क्या हुआ, मुशरिकीन क्या करे, कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे थे, इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं। तो जब आप सीरा में देखो ना, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ उहद और बैटल ऑफ खंदक, उसके बाद जो सुलह हुदैबिया हुई, क्या हुआ था, डिफरेंट किंगडम्स एंड बेसिकली इस्लाम वहां से फ्लरिश हुआ, विक्ट्री मिली, वकान अल्लाह अला कुल्ली शईन कदीर। अब यहाँ पर इन लोग क्या के भाग जाते, फिर ना किसी को दोस्त पाते और ना मददगार, ऐसा ये सही नहीं। वलो कातलकुमुल्लज़ीना कफरू, मीनिंग हुदैबिया में एक्चुअली जब फाइटिंग हुई तो इन लोग क्या करे, दे टर्न बैक हो गए फाइटिंग में से, और तो अल्लाह ताला बोल रहा है अच्छा तुम मुंह फेर के चल जा रहे हैं, तुम्हारे लिए अब कोई बचाने वाला नहीं है, अल्लाह ही नहीं बचाएंगा तुम्हारे को, तो कौन बचाएंगे तुम्हारे लिए। और आयत नंबर 23, अल्लाह की ये आदत है जो पहले से चली आती है, और आप अल्लाह की आदत बदलते नहीं देखेंगे, और वही है जिसने उन काफिरों के हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, ऐन मक्का में बाद इसके तुमको उन पर काबू दे दिया था, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा था। आयत नंबर 24 में देखिए कि वह लजी कफ्फा अईदियहुम अनकुम,
अल्लाह ताला उनके हाथों को रोक दिए, किसके, कुफर जो काफिर है मक्का में जब, और बता रहे हैं कि ये जो बैटल है हो सकती थी लेकिन अल्लाह ताला क्या करे बैटल को रोक दिए। याद है वो जो किस्सा मैं बयान करी थी जो उस्मान मिस हो रहे थे और अनकरीब था, उन लोग अटैक करना चाह रहे थे जब इन लोग उम्रे के लिए आए थे, लेकिन अल्लाह ताला रोक दिए वो बैटल को। इट वॉज ऑलमोस्ट हो सकती थी। हुमुल्लज़ीना कफरू वसद्दुकुम अन मस्जिदिल हराम, ये लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिदे हराम से रोका और कुर्बानियों को भी। जब इन लोग आए थे उम्रा के इरादे से तो इन लोग मस्जिदे हराम में जाना चाह रहे थे, हरम में जाना चाह रहे थे, इन लोग रोक दिए ना, और अपने जानवर भी लाए थे सैक्रिफाइस करने के लिए। जब हम उम्रा करते तो सैक्रिफाइस भी करते ना कुर्बानी के जानवर, कि अपनी जगह पहुंचने से रुके रहे। और अगर ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ना होती जिनको तुम जानते ना थे, यानी उनके रोंदे जाने की एहतमाल ना होता जिस पर उनकी वजह से तुमको भी बेखबरी में नुकसान पहुंचता, तो सब मामला तय कर दिया जाता, मगर ऐसा ना हुआ इसलिए कि अल्लाह दाखिल कर दे अपनी रहमत में जिसको चाहेगा। ये हार गए होते तो जो उनमें काफिर थे, हमने उनको दर्दनाक सजा दी। देखिए अपरेंटली उस वक्त ये चीजें हुए, उमरा ने करे, जानवर वापस लेके जाना पड़ा और ट्रीटी साइन करे, लेकिन उसमें भी फायदा था। जब उन काफिरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जहालत की थी, तो अल्लाह ने अपनी तरफ से अपने रसूल और मोमिनों पर तस्कीन नाजिल फरमाई और मोमिनों को तक्वा की बात पर जमा रखा, और उससे ज्यादा हकदार और अहल थे, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। देखिए आयत नंबर 26 में किस तरह ये मुशरिक तो चाह रहे थे, इनके जो डिसबिलीव जो थे उनके दिलों में तो बहुत ही हेट्रेड था उनके दिल में, और लेकिन प्राइड थे, बायस थे मुसलमान के अगेंस्ट ना, मुसलमान को एंटर नहीं होने दे रहे थे मक्का में। तो अब ये अल्लाह ताला क्या करे फिर भी वॉर को प्रिवेंट करे और अल्लाह ताला रोक दिया, और इसके अलावा इनके दिलों में सकीनत डाल दिए, और ये सकीनत सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के दिलों में आई, और ये सकीनत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेकंड टाइम ये बात रिपीट हुई यहाँ पर, सकीनतुन अला रसूल ही, रसूलों के दिल में, और फिर बता रहे हैं वा अला मोमिनीना, रसूल के दिल में, मोमिनों के दिल में, वा अल्जमहुम कलिमा, तो तक्वा, और तक्वा का कलीमा इनके ऊपर आ गया, वकान अहक बिहा व अहला वकान अल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीमा। तो हमारे पास भी कोई भी तंगी परेशानी तकलीफ हुई तो अल्लाह से दुआ करिए सकीनत की। बिला शुबा अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया है जो बिल्कुल वाकई के मुताबिक है। तुम लोग इंशा अल्लाह मस्जिदे हराम में जरूर दाखिल होगे अमन व अमन के साथ, अपने सर मुतवज्जो और बाल कटवाओगे, तुमको किसी किस्म का अंदेशा ना होगा, वो उन बातों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, इसलिए उसने ये करीब फतह तुमको अता की। अब क्या है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, जो तुम ख्वाब देखे वो सच्चा है और ये ख्वाब तुम्हारा सच्चा होगा, डोंट वरी, और जो जो देखे वो पूरा फुलफिल होगा, तुम बाल भी कटाओगे और सारे जो रुकन है वो पूरे करोगे। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत की और दीन के हक देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गलबा अता करे, और अल्लाह गवाह काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा अशद्दु अशिद्दाउ अला कुफारी रहमा बैनहुम तरहमहुम रुकअन सुज्जदं यबतगून फ़ज़लं मिनल्लाहि व रिदवाना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और जो लोग उनके साथ है वो काफिरों पर बहुत सख्त है और आपस में रहम दिल है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहम दिल है और काफिर के लिए सख्त दिल है, इवन आपके सहाबा, तो उनके देखोगे कि तुम
उनको रुकू सुजूद और अल्लाह की फजल और उसकी खुशनुदी की तलब में, मतलब कैसा नमाज, खुशनुदी, ये सारी बातें तलब में मशगूल पाएंगे, मतलब नमाज में, रुकू में, सब सजदों के असरात उनके चेहरों पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, बता रहे हैं कि उनके चेहरों पे सजदे के मार्क्स है। कभी देखिए आप लोगों के चेहरे पे किस तरह सजदे के मार्क रहते। यही औसाफ तौरात और इंजील में लिखे गए हैं कि गोया एक खेती की मिसाल है जिसने पहली जमीन से अपनी सुई निकाली, फिर वो मोती हो गई, फिर वो अपने ताने पर सीधी खड़ी हो गई, कष्ट करो कोई खुश करना लगी ताकि काफिरों का जी जलाए। इस गिरोह के जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह ने मगफिरत और बड़े अजर का वादा फरमाया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एग्जाम्पल ऑफ ए बिलीवर क्या है, एक मिसाल क्या है, इन रिगार्ड टू म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन, एक दूसरे के साथ अच्छे बाहमी ताल्लुकात और एक दूसरे से अच्छे रहना। और मोमिन एक दूसरे के लिए क्या है कि जैसा कि पूरा एक जिस्म है, एक बॉडी है, अगर एक बॉडी के हिस्से को कोई तकलीफ हुई तो सारी बॉडी को तकलीफ होती और वो नहीं सो सकता, बुखार आ जाता। तो रहमा बैनहुम, बिलीवर्स एक दूसरे के लिए अच्छे होंगे, एक दूसरे पे रहम करने वाले होंगे। और यहाँ पर ये बात हुई कि इवन तौरात और इंजील में भी इनके सिफात बयान किए गए कि इनके ऊपर कैसे जो मार्क्स रहेंगे ना सजदे के, तो ये जो सजदे के मार्क्स है ये किस तरह आते हैं कि बार बार जबरदस्ती वो करने से, ये तो कुदरती तौर पे ना, जब आप नमाज की बहुत ज्यादा पाबंदी करेंगे, लंबे लंबे सजदे करेंगे, तो आपके फोरहेड पे क्या है, सीमा, आपके ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। तो बस अल्लाह ताला हम जो भी सीख रहे हैं अल्लाह अमल की तौफीक दे। तो यहाँ पर सूरतुल फतह कंप्लीट होती है, फिर नेक्स्ट उसमें हम सूरतुल हुजरात करेंगे इंशाल्लाह। जजाक अल्लाह खैरन कसीरा, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।